आपको ये क्वेश्चन दिया गया एक्स वाई कॉस टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, इसको आप चेन रूल से कर सकते हो डिफ्रेंशिएट, अदरवाइज आप दोनों साइड में लॉग ले लो तो थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपके पास दोनों ही तरीके हैं, या तो आप इसको प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, ठीक है, बाद में आपको यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, या फिर लॉग ले लीजिए, सिस्टम थोड़ा सिंप्लीफाई मैनर में दिखेगा, फिर आप डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग दूसरा वाला तरीका अपनाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, हर स्टेप लिखा करिए, ठीक है, इससे गलतियों के जो चांस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, और जब आप जंप करते हो तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स आती है। खैर, यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्या होता है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये तो आपका एल एच एस हो गया। आर एच एस में आप देखिए ई जो है एक्स का फंक्शन नहीं है, ई एक्स माइनस वाई का फंक्शन है, इसका मतलब, और ये ऑपरेटर जो लगा हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, या यूं कहिए कि चेन रूल लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, ई डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो एक्स माइनस वाई किसका फंक्शन है, ई का फंक्शन, तो पहले ई डिफ्रेंशिएट होगा, देन एक्स माइनस वाई डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई का डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो वो वही होता है, ठीक है, उसकी पावर के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिख दिया ई की पावर एक्स माइनस वाई एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, या यूं कहें कि एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, वन होता है, तो दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, और ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, अंदर आप कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा, दैट इज ई की पावर एक्स माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स था, है ना, तो ये वन हो गया आपका, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, e की पावर x माइनस वाई को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस वाई को लिख सकते हैं x इंटू वाई, तो ये जो पूरा टर्म है इसे हम रिप्लेस कर देते हैं x इंटू वाई से, तो दैट इज x इंटू वाई वन प्लस सॉरी वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आ गया आपका x डी वाई बाई, अब देखिए जो आपका डी वाई बाई डी एक्स के टर्म है पार्सली आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और पार्सली राइट हैंड साइड में है, ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह से आप कलेक्ट करोगे, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करना है, तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स हम लोग आर एच एस एल एच एस से दोनों कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, या यूँ कहें कि डी वाई बाई डी एक्स के हम लोग कोफिशियंट कलेक्ट कर लें, है ना, डी वाई बाई डी एक्स से कोफिशियंट कलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ से तो एक्स है, लेकिन यहाँ से आपका माइनस ये है और साथ में एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का एक्स वाई आएगा, लेकिन ये उस साइड भी जाना है तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, तो प्लस का एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू, अब इस साइड में क्या बचा, इस साइड में जब ये एक्स वाई इस वन से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो बच गया एक्स वाई, एंड जो ये वाई है उस साइड से इस साइड में आया तो माइनस वाई हो गया, कॉमन दिख रहा है वाई कॉमन कर लेते हैं एक्स माइनस वन, और यहाँ से इसको नीचे कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ से आपका x कॉमन है तो यहाँ से x भी कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, हम इसी स्टेप में कर दिया, चलिए प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है, y टाइम्स x माइनस वाई अपॉन x टाइम्स वन प्लस हो जाएगा y, दैट इज़ योर dy वाई बाई डी एक्स, ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था आपका, हमने दूसरा तरीका कहा था कि आप दोनों साइड में log ले लीजिए, ठीक है, तब भी आपका जो dy वाई बाई डी एक्स आएगा वो सेम आएगा, तो देख लीजिए हम सेकेंड तरीका भी कर देते हैं, ठीक है। तो आपके लिए अल्टरनेटिव मेथड हो जाएगा, चाहे आप लॉग लीजिए, मतलब लॉग लेना नेसेसिटी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, या यूं कहें कि हर क्वेश्चन के लिए नेसेसिटी तो हो नहीं सकता है, बस यहाँ पे हम लोग दोनों तरीके, अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन होता तब तो हमारे पास एक नेसेसिटी नज़र आती है, ठीक है, तो चलिए लॉग लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बोले टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड लॉग, है ना, तो दोनों साइड में हमने लॉग ले लिया,
तो log ऑफ x y इक्वल्स टू log ऑफ e टू द पावर x माइनस y. यहाँ log m इंटू n log m प्लस log n हो जाता है, तो ये सिंप्लीफाई होगी, log x प्लस log y हो जाएगा. एंड देन ये पीछे आ जाएगा पावर, ये भी log की प्रॉपर्टी हो गई आपकी, और log e हो जाएगा. और log e, चूँकि ये जो log है खुद बेस e पे है, तो किसी भी log e बेथ b से, मतलब यहाँ पे अगर a रहता सेम बेस पे हम log देते हैं, वो हमेशा 1 आता है. ठीक है, मतलब आपके पास जो ये प्रॉपर्टी होती है log a दैट इज़ ऑलवेज 1, मतलब a का सेम बेस पे log हमेशा 1 होता है, चाहे a कुछ भी हो. ठीक है, बस डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, तो इसे हटा देते हैं, दैट इज़ 1. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपका, d by dx ऑफ log ऑफ x प्लस d by dx log ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ x माइनस y. डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं d by dx, या एलजेब्रा कह सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन का लगा देते हैं, तो ये log x हो गया प्लस d by dx ऑफ log y हो गया. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ x हो गया माइनस d by dx ऑफ क्या हो गया आपका, y हो गया. यहाँ पे log, चूँकि x का फंक्शन है, उसका स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई x. यहाँ पे क्या होता है, ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो होगा नहीं, क्योंकि log y का फंक्शन है, तो यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, d by dy करना पड़ेगा, और फिर dy by dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या करोगे आप, दैट इज़ d by dy ऑफ log y एंड dy by dx. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये 1 हो गया और ये माइनस dy by dx है आपका. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 by x प्लस ये log y का डिफ्रेंशिएशन, ये आपको डिफ्रेंशिएशन ऑपरेट करना है, तो log y का 1 by y हो जाएगा, तो 1 by y dy by dx. ठीक है, और इक्वल्स टू 1 माइनस dy by dx, ये आपका आ गया. अब dy by dx पार्शियली इस साइड में है, पार्शियली इस साइड में, तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं एक साइड में, तो dy by dx का कोफिशियंट आपका आ गया, यहाँ से आ गया 1 by y, और यहाँ से आपका 1 आएगा, इधर माइनस 1 है, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, और इधर 1 बचा, और उधर से और क्या आया, माइनस 1 बाई एक्स. एलसीएम ले लीजिए, तो x माइनस 1 अपॉन होल x, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस y अपॉन y dy बाई dx. लेकिन हमें फाइंड आउट तो dy बाई dx करना है, तो dy बाई dx हम लोग ऐसे सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो dy बाई dx इक्वल्स टू x माइनस y अपॉन x, और यहाँ से जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाएगा. ठीक है, y टाइम्स हो जाएगा, और जो यहाँ न्यूमरेटर में वो नीचे आएगा, मतलब 1 प्लस y हो जाएगा. ठीक है, तो फिर से आपका वही आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे जो हमने शुरुआत करी थी, दोनों की बिगनिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से थी. ठीक,